लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है दीदी? डैड की गर्लफ्रेंड। प्लीज आप घर चलिए। घर चल के बाद आपके बीवी और बच्चे होते हुए आप इस लड़ के साथ प्रणव क्या कहा उसने? अपनी बहन के लिए कहा गलत तुम थे। मैं गिल्ट हूँ तुम्हारी। 3 साल के रिश्ते को तुमने गिल्ट का लेबल दे दिया। I will leave please, मैंने तो सुना है कि तुमने एक और रख ली है। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। नहीं छोड़ोगे तुम पूनम को? अनन्या से प्यार करता हूँ मैं, उसके बिना रह नहीं सकता। I'm sorry. रोहित भी दो ना दिल के राज हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास अब तुम ही तो हो जाने क्यों ये एहसास हाँ तुम तो हो हालत नहीं देखी उसकी तुमने? अच्छा, किसकी वजह से? क्योंकि ये हालत मेरी वजह से। That's why only I can fix it. Please. Tell me where she is. तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना? तुम ऐना को अपना भी नहीं सकते, उसे छोड़ भी नहीं सकते, और जब वो तुम्हें छोड़ रही है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे छोड़ रही है मतलब क्या? ये किसने तय किया? तुमने? कोई बात नहीं, नहीं बताना है मत बताओ। उस शहर में जहां भी होगी मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। वो शहर में होगी तो ना। चेरी, सॉरी यार, गलती से निकल गया। But I didn't tell him where. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद है ना एना ने क्या कहा था? मैं यहाँ रहूंगी या कहीं भी रहूंगी वो मुझे ढूंढ निकालेगा। तो फिर भागना ही क्यों है ना? Face him, tell him that you don't want to see him. एक बार और बात करूंगी ना उससे तो टूट जाऊंगी मैं। यार हद है। No man should have this much of control over you, है ना? Tell him, तुझे वक्त चाहिए। यार भी, don't you get it? Sensible होते हुए भी एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया है। I know I'm wrong. I know मुझे strong होना चाहिए, but क्या करूँ ये सब जान के मैं?
आंधी की तरह आता है और सारी बंदिशें तोड़कर हावी हो जाता है मुझ पे। क्या करूं मैं? तू मेरे पास रह जा, वो यहाँ नहीं आएगा, और अगर आया भी तो हम साथ होंगे, है ना? भी जब वो सामने होता है ना तो किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। I have to get a grip on myself. But कहाँ? पता नहीं, लेकिन उससे दूर, बहुत दूर। You'll call us. My phone will be off, yeah. But don't worry, I'm a big girl now. यार, आना, क्या लगता है तुझे? वो उसे ढूंढ निकालेगा? I hope not. लेकिन इस बार अगर उसने एना को हर्ट किया ना तो आई स्वेयर मैं उसकी बहुत सही जगह पे उसे बहुत बुरी तरीके से हर्ट करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो तेरे पास किधर की चाबी भी है? आयशा तेरी, हमें तो बैंकॉक जाना पड़ता है। आना तू तो एनी टाइम। काफी इंटेलेक्चुअल टाइप का घर है यार। पेंटिंग शेंटिंग, न्यूड पेंटिंग भी हो गया। वैंग गोका गो होता है यार। है ओ गगू ना बुला लो इसे। यार तेरी पीके तो बहुत स्ट्रांग है। ओ भाई साहब, ओ मोहब्बत की ना जरा अपना नाम टाइप कर। ओ इश्क में ना लोग ऐसी बेवकूफियां अक्सर कर देते हैं। कमाल है यार, ओ इश्क का टांडव सर पे दादा दिंदिर कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और लड़के के साथ? नहीं, आई मीन टू से दैट कि मम्मी, अब लड़कियां भी ऐसी सेंटिमेंटल हरकतें कर देती हैं यार। इश्क का नाम अगर कहीं जुड़ जाए ना। इश्क का दूसरा नाम है तो फैज अहमद फैज। अच्छा, मतलब इश्क का दूसरा नाम मैं नहीं हूँ। तुम्हारे साथ लस भी तो जुड़ जाता है ना। प्योर इश्क तो फैज है। सुनो सुनो सुनो, आई थिंक लव एंड लस्ट इज अ फार बेटर कॉम्बिनेशन। फैज है बस। फैज? फैज, आर यू श्योर? मम्मी का नाम फैज है? ओ पापे, ओ क्रेडिट कार्ड वालों की मेल चेक कर। ओ इमरजेंसी में ना हमेशा कार्ड ही स्वाइप होते हैं। थैंक्स यार, इस घर में कुछ तो लफड़ा है भाई। प्यार का भाव कुछ ज्यादा ही सर चढ़ के बोल रहा है। वो टीए के पूत है। हेलो जानू। हेलो, हाँ कहाँ हो? ओ मैं आर्ट गैलरी में। जाने आर्ट गैलरी, वहाँ क्या कर रहे हो? पेंटिंग देख रहा था। पहले तुम घर आओ, फिर बताती हूँ कहाँ कहाँ पेंटिंग करनी है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। रात भर से उसे फोन ट्राई कर रही हो, उसे फोन उठाना होता तो कब का उठा लिया होता। जो बात आप करके आए हो ना, उसके बाद तो वो कभी फोन नहीं उठाएगा। तो क्या करता मैं? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और उसे रोकने की। तो क्या हुआ, उल्टा पड़ गया ना सब कुछ? चले गए ना रोहित? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो डिवोर्स देने के लिए राजी कैसे हो गया? क्या जादू किया उस लड़की ने, उसकी तो मैं मां बहन एक कर दूंगा। अब गाली देने से क्या होगा? गाली आप उसे दे रहे हो और थप्पड़ यहाँ मुझे पड़ रहा है। बताओ तुम, आपको डिवोर्स की बात ही नहीं करनी चाहिए। मामा को क्यों गिल्टी फील करवा रही हो? एटलीस्ट ही वाज ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। यू आर राइट, मुझे हेल्प करने के बजाय वो उसकी हेल्प कराए, वो दूसरी औरत की। मॉम एटलीस्ट ही ट्राइड, और आपने क्या किया? आपके सामने डैड किसी और औरत के पास चले गए और आप उन्हें उन्हें कॉल कर रही हैं। रिडिकुलस। पानी तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो हर बात पर एक्टिविज्म सूझता है। मॉम यू आर जस्ट स्केर्ड एंड दैट्स पैथेटिक। पैथेटिक? तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। तुम लोगों के लिए रिलेशनशिप इज जस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, ड्रामेबाजी एंड डेस्परेट सेक्स, दैट्स इट। Fine, mom. मुझे नहीं समझना आपकी ये होल ट्रेडिशनल वाली बातें, शायद मैं समझूंगी ही नहीं। अरे मुझे तो शादी ही नहीं करनी, बाहर में जाए शादी नहीं करनी मुझे आपसे कोई भी बात। Smoking is injurious to your health, you know. Shut the fuck up, Aniki. There are a lot of other things in life which can be injurious to your life, you know. Fine, then be that girl. Hi, baby. I'm off. Like forever. मैं ऐसे जा रही हूँ. Don't try to look for me or stop me, okay? Did you just say forever? हाँ, तो यहाँ आ जाना. Why run?
sit and chill and smoke every day. Amongst other things. Arya, no, please. Are you even listening to me, huh? Are you listening to me? I'm saying that I'm leaving this place like right now. Come to me, baby. Come to me. No, Arya, no! Babes, think this through, okay? You want to leave there, correct? So, niklo. Yeah, come here. Then no one can say anything. Even my parents won't have any problem if we get married. What do you think? Let's do crazy, baby. Let's get married. Actually, it does sound like a plan. What? It does? You know what, Arya? Let's do it. Okay, we are on. Yeah. धीरे बोलो यार। अरे दिलीप क्या बोल रहे हो? सॉरी यार, लेकिन तुम्हें देखकर ना हमेशा से ऐसे एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं कॉलेज के टाइम से। बट क्या हुआ? सब ठीक है? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? कॉलेज प्लेबॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What happened to your hot शांतिया? True, love happened, got married. Oh. 3 साल, and she had enough, and left me for her colleague. What? Yes, imagine. 2 साल से अफेयर चल रहा था और पता ही नहीं चला। Sorry to hear that. Thank you. Thank you. Okay. Well, it's a sign. Sign? I'm really, really relieved. तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है, बानी. Thank you so much. मेरी बच्ची. जीती रहे, खुश रहे. तो इस घर में ना दोबारा रोशनी ला रही है. देखना, अब सब ठीक हो जाना है. रब ने सब संभाल लेने. मैं आर्या के पेरेंट्स से कल ही बात करती हूँ. तो उसके लिए तो अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे ना. तो कौन करेगा? चल चल. हेलो, हेलो, लिसन, हैव यू लॉस्ट इट? I'd say I found it. Happiness? मुझे लगा था मैं कॉम्प्लेक्स थी, पर तू तो फट्टू निकली. ये निकी यार. नहीं लिसन, तू है डरपोक एंड यू आर सो रॉन्ग राइट नाउ. निकी चिल यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? लिसन, मैं तुझसे एक टॉप भी ले लेती था. यूज्ड टू फाइट बैक एंड फाइट बैक अगली. तो तुझे अभी क्या हो गया? क्या कर रही है? निकी सुन, आई हेट दिस प्लेस. मुझे नहीं रहना यहाँ. तो शादी कर लो. आई मीन, डू यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग? आई लव आर्या. इजंट दैट एनफ? यहाँ से तंग आकर वहाँ शादी कर लो. हाउ इज दिस फेयर यार? लाइक यू आर गेटिंग मैरिड बिकॉज़ यू वांट टू गेट मैरिड और बिकॉज़ यू वांट टू रन अवे? व्हाट? निकी, आई लव आर्या एंड आई हेट दिस प्लेस. सो इजंट दिस अ विन विन सिचुएशन फॉर मी? यू वांटेड टू गो अब्रॉड एंड स्टडी. हाउ कैन दिस बी विन विन? यार पहले ओवर हो चुका है निकी. यार पानी, तू डैड के साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो चाहते तो अब्रॉड जाए. डैड तो बहुत सारी चीजें चाहते हैं. ऑल ऑफ दैट इज नॉट लेजिट एज दिस. वो बहुत सारी चीजें ऐसे कर रही है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए. तो मैं क्यों ना करूं? आप सभी का ऋषिकेश मेडिटेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है. आप सभी के हाथ में ये कागज की पर्ची दी गई है. इन पर्चियों पर आप अपनी इच्छाएं, जो भी आपका मन चाहता है वो लिखेंगे और फिर हम इन पर्चियों को आपके पास जो गुब्बारे हैं उससे बांधकर उस बड़ी सी शक्ति की ओर भेज देंगे. चलिए, अपनी अपनी पर्चियां भरिए आप लोग. कह भी दो ना दिल के राज, हुआ मुझे न जाने क्यों ये सा. हाँ तो क्या हुआ? कुछ तो भेजनी है. फिर नहीं उठाया.
माँ मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वो हमें चिंता नहीं करते, बानी की शादी की खबर सुनते ही ना देखना वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। अब उसकी ससुराल वालों के आगे खानदान का सिर नीचा तो करवाने से रहा वो है। और वैसे भी शुक्र मना कि रब ने ना उसे उस बेशरम औरत से वापस लाने का एक रास्ता दिखा दिया हमें। लेकिन माँ अगर ओफो, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरा बेटा मैंने दुनिया देखी है, वो जरूर आएगा। इंद्र चल पहले और सामान निकाल ले फिर सेट करना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। I don't want to talk to you। पागलों की तरह ढूंढता ढूंढता आ गया। I have to talk to you, Ona। Excuse me। Doesn't look like she wants to talk to you। तुम्हारे आपस का मामला है। You stay out of it। चलो तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे। I said no। I said stay out of it। ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप? ये आपको शोभा नहीं देता। Shit। I'm sorry, bro। है ना? आना। आना। Please listen to me। See, I understand। जो भी कुछ हुआ मुझे सजा देने के लिए ये सब कर रही हो छोड़कर यहाँ तक आ गई। You that person, आना। I think you're a very forgiving person। हो सकता है जाने अनजाने में मैंने इस बात का फायदा उठाया हो। But it's enough now, यार। चल, let's go home, please। हम हैं ना, हम हैं एक दूसरे का चैन, एक दूसरे का सुकून। ये सब यहाँ यहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं तुम्हें। I can't live without you, यार। प्लीज मैं माफी नहीं मांग रहा हूं। मैं तुमसे अपनी जिंदगी वापस प्लीज लेट्स गो होम प्लीज। आना आना आना। क्या है रोहित, क्यों हर बार मुझे मिटाने के लिए तोड़ने के लिए वापस आ जाते हो? तूफान की तरह आते हो और सब कुछ बिखेर के चले जाते हो। इतनी मुश्किल से खुद को समेट कर मैं यहाँ आई थी, चैन नहीं मिला तुम्हें? तुम्हें मिला ना? वही ढूंढने आई थी मैं यहाँ। नहीं मिलेगा ना, हम दोनों को एक दूसरे के बिना चैन कहीं नहीं मिलेगा। Unfortunately, एक दूसरे के लिए हम दुआ भी हैं, बददुआ भी। But this is it। Please यार, stop fighting it। पहले भी तुमने कोशिश की थी अलग होने की। इस बार मैं फेल नहीं हूँगी। We're not good for each other. I know we're not good for each other. In fact, we are bad for each other. Society नहीं मानती, दोस्त आना मारते हैं, घरवाले तो। But the point here is that we love each other. To hell with this kind of love, Rohit. शर्मिंदगी और दर्द के सिवा दिया क्या है इस प्यार में? I don't want this love. It's humiliating. It's suffocating. It's so unhealthy. How can you say this? Give me your phone. फोन दो अपना। Give me your phone. Let's just end this. खत्म करते हैं किस तरह? क्या क्या कर रहे हो? No family जरूरी है, किसी एक को तो खुश रखो रोहित। I'm calling पूनम, तुम मुझसे कह दो कि तुम वापस आ रहे हो। Anna, please don't do this. Nice. तुम्हारी favorite list में भी मेरा नाम सबसे end में आता है। तो तुम्हारी जरूरत हूँ मैं रोहित हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरूरत नहीं है। रोहित रोहित कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। तुम घर कब आ रहे हो? रोहित तुम्हें आना ही पड़ेगा, बानी शादी कर रही है। मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस पूनम, मैंने कहा था ना बच्ची है वो, अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, शादी बीच में से कहाँ घुसेड़ दी तुमने? रोहित ये बानी का ही डिसीजन है, आर्या भी यही चाहता है और उसके पेरेंट्स कल आ रहे हैं उनसे बात करने। तुम आओगे ना? या ओके ऑफ कोर्स I'll be there. I called you for some other reason. There's no easy way to say this, but I want to divorce Poonam.
राज हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास।